बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं कोई रेसिपी आपके लिए नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि मैं आज लाई हूँ आपके लिए आम की कटिंग। आम की कटिंग मैं घर में किस तरह से करती हूँ कि गुठलियों पर कोई पल्प ना रहे, कोई गूदा ना रहे, क्योंकि बहुत से घरों में ये गुठली बच्चे नहीं इस्तेमाल करते, नहीं खाते हैं, मना कर देते हैं। तो जिस तरह से मैं आम की कटिंग करती हूँ, उस पर कोई गूदा, कोई पल्प नहीं बाकी रहता। बस यही रेसिपी आज आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से आम की कटिंग करती हूँ घर में। चले आइए शुरू करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, मैंने आम ले लिए हैं और सबसे पहले मैं इस तरह से काटूँगी जिस तरीके से हम घरों में काटते हैं, जो हमारी बहनें काटती हैं। मैं इस तरह से पहले बताऊँगी आपको। ये देखें आप, इस तरह से हर घर में ही आम काटे जाते हैं, ये आप सबको पता है। और आप ये देखें कि इसमें गुठली पर कितना गूदा है, कितना पल्प है। ये बच जाता है तो ये बच्चे भी नहीं खाते हैं, बहुत से घरों में ऐसे ही रह जाता है। अब मैं जिस तरह से मैं घर में काटती हूँ, मैं आपको वो शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से घर में अपने आम काटती हूँ। कि ये इस तरह से कि गुठली पर कोई पल्प नहीं बचेगा, कोई गूदा नहीं बचेगा। मैं जिस तरह से घर में काटती हूँ, बस यही आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, अब मैं ये जो जिस तरह से आम घर में काटती हूँ कि गुठली पर कोई पल्प नहीं बचेगा, ये मेरी नई सीखने वाली बच्चियों के लिए ये वीडियो है, ताकि वो ये जान सके कि देखें ये आप कि मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। ये देखें आप, मैंने जब छुरी को चलाया है तो बिल्कुल इसकी गुठली के ऊपर से चलाया है। और अब आप ये देखें कि मैंने बीच का हिस्सा भी इसमें से निकाल दिया है। और अब इसी तरह से मैं ये दूसरी साइड में करती हूँ। मैं घर में इसी तरह से आम काटती हूँ कि गुठलियों पर कोई पल्प नहीं बचता और किसी को परेशानी भी नहीं होती है कि हमें गुठलियाँ साफ़ करनी पड़ेंगी। ये देखें आप, इस तरह से ये देखें नाज़रीन, इस पर कोई पल्प नहीं बचा, कोई गूदा नहीं बचा। बस मैं इसी तरह से आम को कट करती हूँ और मैं सारे आम इसी तरह कट करके और आपको दिखाती हूँ। अच्छा देखें बच्चियों, ये नहीं ज़रूरी कि ये नोक वाली छुरी होगी तो ही हम ये आम काट सकेंगे। अगर इस तरह से आपको काटना जब आ जाएगा तो आप इस तरह की छुरी जो कि गोल मुँह की है, देखें आप ये इस तरह से इसमें भी आसानी से काट सकते हैं। ये मैं आपको इसी छुरी से एक और आम काट कर दिखाती हूँ। ये देखें आप कि मैं किस तरह से काट रही हूँ, मैंने छुरी को किस तरह से लिया है इसमें। और मेरे पास इस वीडियो की फरमाइश आई थी कि आप आम की कटिंग अच्छी करती हैं, आप हमें बताएं। आज मेरी एक दोस्त हैं जो मुझे बहुत याद आ रही हैं, उन्होंने मुझे आम काटते हुए देखा था और जब भी मिलती थी वो मुझसे आम काटने की ही फरमाइश करती थी और मैं उनको इसी तरह से आम काट कर देती थी। ये देखें आप, ये देखें कोई इस पर गुदा नहीं रहा। बस इसी तरह आप सीख लें और इंशाल्लाह आपसे भी इसी तरह से बहुत अच्छे से आम कटेंगे। ये देखें नाज़रीन, आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये छोटी सी मेहनत जो मैं आपको सिखा रही हूँ कैसी लगी, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी पसंद आती हैं तो लाइक भी कीजिएगा, साथ ही साथ बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली और नई रेसिपी में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।